हेलो गाइस, आज की जो हमारी जो वीडियो है, पहले एक वीडियो हमने ताऊजी वाला जो चैनल बनाया था उसमें हमारे सेम स्टडी पॉइंट चैनल है जो, उसके ऊपर हमने जो वीडियो डाली थी एजीएमआर का प्रयोग किया था। और आज हम ताऊ को ऐसे इंग्लिश का एक ही लाइन मैं ताऊजी को सिखा रहा हूँ। तो देख, ये वाली लाइन है जो ताऊजी को सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में आपको अगर किसी से बात करनी है, अगर आपको किसी से कोई किसी का नाम पूछना है तो आप कैसे बोलोगे, वो बातें आपको बताई जा रही है। व्हाट इज योर नेम, ये बात ताऊ जी को सिखाएंगे हम, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, और उसके हिसाब से अगर ताऊ कहीं भी जाएंगे तो यही पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम। ये लाइन है ताऊ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, यही नाम ताऊ जी पूछेंगे। ये लाइनें हम धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं ताऊ जी को। भाई इंग्लिश, मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, अगर उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उस प्रैक्टिस करने से आप सीख जाओगे इंग्लिश को। तो इसमें यही लाइन है, ये लाइन बार बार आप अगर ताऊ कहीं भी जाएंगे, अब रेवाड़ी वगैरह जाते हैं कई बार ताऊ, तो वहाँ पे पूछेंगे बच्चों से भाई व्हाट इज योर नेम, उनके छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो तब होती उनसे पूछेंगे। तो ताऊ जी के सामने एक बार लगाइए और ताऊ बताएंगे चैनल के बारे में, बता दो ताऊ जी। ये लड़का बहुत अंग्रेजी का जानकार है, इसको भाई का चैनल आगे बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा काम कराओ बच्चा ने, और इसका थोड़ा हा देखो इसका इस तरफ। थैंक यू डियर्स और वाचिंग, जो ताऊ जी ने अभी आपको बताया है, और इसी हिसाब से जैसे कि मैं पहले भी आपको एक सेंटेंस करवा चुका हूँ कंटिन्यू टेंस के बारे में बताया था, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें आपको ओनली हैज या हैव का यूज करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव के साथ में ऑलवेज हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ कि भाई वह खाना खाता है, तो जैसे क्या बोलोगे आप, ही हैज ईटन फूड, यहाँ पे वर्ब हैज के साथ में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और अगर प्लू फॉर्म में आ जाता है भाई वे खाना खाते हैं, तो आपको क्या लगाना है, दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं, सॉरी चुका है, चुके हैं। अगर हिंदी में कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो वो हिंदी मीडियम के हिसाब से देखेगा भी, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान मिलेगी। और उसमें अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में आपको हैज या हैव मिलेगा, और उसके साथ में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो मिलेगी, वो उसकी पहचान होती है। आप किसी कितनी भी किताबें उठाओ उनमें अपने आप ही पता लग जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच माय डियर, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।